नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जी एस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत देखिएगा। टोटल हम लोग 50 करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया। तो ये जहाज भाग लिया था INS तबर। ठीक है, याद रखिएगा कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया, तो INS तबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कि वाई ब्रेक या योग ब्रेक, ठीक है, मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों आयुष मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा कि वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे जो है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ये किया गया है फ्रांस में। ठीक है, यानी कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का जो आयोजन है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा, ये किया जा चुका है, चूँकि सितंबर में हो गया है। ये कहाँ किया गया है, तो ये फ्रांस में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। तो ये किया है दोस्तों सिंगापुर में। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, तो सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए भावीना पटेल जो है ये बिल्कुल सही है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, प्रमोद भगत जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। सुमित अंतल जो है ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सुमित अंतल जो है ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सुमित अंतल जो है ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है, हाई जंप से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता और जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो एवा मोतो। ठीक है, याद रखिएगा कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तो एवा मोतो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन क्या है, सबसे पहला कथन है कि लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि अवनी लखेड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये भी सही है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 जो है, कथन 2 ये दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कथन 1 में कि लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि दोनों कथन सही है। कथन 2 में क्या था कि अवनी लखेड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल सही है कथन 1 और कथन 2, दोनों कथन सही है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नया नाम क्या है? तो यह है सिक्यूम। क्या नाम है दोस्तों? क्यूसिम, ठीक है। क्यूसिम जो है ये क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का नया नाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों वर्तिका शुक्ला, ठीक है। यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, ठीक है। 12 नंबर सवाल है मेरे दोस्त क्योंकि COVID-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रामिन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है फिरदौसी कादरी को, ठीक है दोस्तों। यानी COVID-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रामिन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ये किया गया है दोस्तों पुर्तगाल के द्वारा। याद रखिएगा कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश में की गई है? ये की गई है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन, ठीक है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम जो है टाइबर नदी किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है दोस्तों? असम ने, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, असम ने शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित लाप पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो ये किया है दोस्तों फ्रांस ने, ठीक है। अच्छा, क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो क्वाड एक समूह है जिसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन सा है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका और जापान। तो याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित लापेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो ये फ्रांस ने किया है जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो क्वाड देश कौन कौन सा है? 4 देश है। कौन कौन सा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये राजस्थान में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? सबसे पहले जाने कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, तो 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गया था कैच द रेन, ठीक है। कैच द रेन यानी कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा अभियान शुरू की गई थी। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल कि विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये था आई एम एंड आई विल। क्या था दोस्तों? विश्व भर में 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 2021 का थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं, तो यह है दलाई लामा। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला
वन चिकित्सा केंद्र जो है ये उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ खोला गया दोस्तों? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो बहरीन देश के साथ। याद रखिएगा कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने बहरीन देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अच्छा, बहरीन देश की राजधानी क्या है? तो मनामा, ठीक है, याद रखिएगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अबू धाबी जो है ये यूएई की राजधानी है। और कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी जो है ये कुवैत की राजधानी है। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान पतन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों पुडुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है। यानी कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन चुका है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर सवाल, ठीक है। 23 नंबर सवाल है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, या किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है दोस्तों धौली गंगा पर, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, या किस नदी पर स्थित है? तो धौली गंगा पर स्थित है। नेक्स्ट है 24 नंबर कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों 121वां स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो यह है दोस्तों नॉर्वे देश की। याद रखिएगा कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो नॉर्वे की। और नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। और कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कनाडा राजधानी है ओटावा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है ये सी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है कि भारत दो वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत जो है दो वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भारत जो है आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तीसरा कथन क्या है कि भारत के साथ चार अन्य देश जैसे कि नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। तो नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये है दोस्तों मिताली राज। याद रखिएगा कि कौन सी भारतीय महिला है? तो मिताली राज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह किया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट 30 नंबर कि मार्च 2021 में किस राज्य के तीन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो ये की गई दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा कि मार्च 2021 में किस राज्य के, तो मध्य प्रदेश के राज्य के तीन राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है,
ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? अस्ट्रेटो लॉन्च, ठीक है, यानी कि किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो अस्ट्रेटो लॉन्च ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान का परीक्षण पूरा किया है, ठीक है। अच्छा, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 को, ठीक है। DRDO का जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, और DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह है जी सतीश रेड्डी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? तो यह है दोस्तों एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर में। याद रखिएगा कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है नोजोमी ओकुहारा, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्रशासित प्रदेश में अटल पर्यावरण उद्भव्य का उद्घाटन किया है? ये क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कवरत्ती, याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्रशासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप में, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग 35 नंबर सवाल कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम, यहाँ पे सवाल दिया है कि होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा किया है? तो ये क्या है दोस्तों? नर्मदापुरम, यानी कि होशंगाबाद का जो नाम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया गया है? तो नर्मदापुरम, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने, तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जो दोस्तों वर्तमान में? जो बाइडन है, जो 46वें नंबर की राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, और वो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा दीप निर्माण करने की घोषणा की है? ये क्या है दोस्तों? डेनमार्क, ठीक है। याद रखिएगा कि किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा दीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन जो है ये 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक वो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना हुआ था 1944 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का ये Washington DC में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? ये बनाया गया दोस्तों भव्या लाल को, ठीक है। भव्या लाल को भारतीय मूल के हैं, ठीक है, व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। यहाँ पे नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था, याद रखिएगा। नासा किसका है? तो अमेरिका का है। जैसे कि रूस का क्या हो जाएगा? कॉस्मोस, ठीक है। इंडिया का क्या है? तो इसरो है। जापान का क्या है? जैक्सा, ठीक है। अमेरिका के क्या है? नासा। उसी तरह से इंडिया का क्या है? इसरो है, ठीक है। तो नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देते हैं 40 नंबर सवाल कि किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से
अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी ब्यूरो आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा, रूस ने लॉन्च किया है, ठीक है। यानी कि कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिका निगरानी ग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है रूस ने, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मॉस्को जो है ये मॉस्कोवा नदी किनारे स्थित है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 41 नंबर सवाल है। सवाल है आपके सामने कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा कि वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो यह है दोस्तों 38 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा कि दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच एक रेखा है जिसका नाम है 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ये प्राप्त की है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। यानी किस भारतीय कंपनी ने, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है, ठीक है। कौन सी कंपनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 43 नंबर सवाल है आपके सामने कि हाल ही में विष्णु नारायण नम्बूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम भाषा के, ठीक है। यानी कि विष्णु नारायण नम्बूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम के। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 44 नंबर सवाल है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की है? ये शुरुआत क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये सवाल है कि भारत बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखने वाले हैं इसका संबंध किससे है, ठीक है दोस्तों। इसका जो संबंध है ये टीकाकरण के विस्तार से है। किसे दोस्तों? तो टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह किया दोस्तों फ्रांस ने, ठीक है। याद रखिएगा कि पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर सवाल है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये लगाने की घोषणा की है दोस्तों गुजरात, ठीक है। यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो गुजरात, ठीक है दोस्तों, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 48 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्रो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। याद रखिएगा कि प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्रो लीडर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर सवाल है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? ये 74% किया गया, ठीक है। यानी कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया दोस्तों? तो 74% किया गया है। आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल है कि 2021 की आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? ये था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। याद रखिएगा कि 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी सेट प्रैक्टिस 7 कर चुके हैं और टोटल 50 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।